सर जी, मैं मेरी मिसेज गर्भवती थी, मैं उसका वो उसके पीड़ा चल रही थी जी, ब्लड बह रहा था ज़्यादा, तो मैं गाड़ी करके लेके आया जी, इन्होंने इंजेक्शन लगाया, दवाई दे कर उसको घर भेज दिया जी, मैंने अपनी बहन के भेज दिया जी, यहाँ नज़दीक थी जी, तो वो फिर ज़्यादा पीड़ा होगी, उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस लेके यहाँ आई जी, तब भी ज़्यादा पीड़ा थी, इन्होंने रात को 8:30 बजे अल्ट्रासाउंड बोला और रात 8:30 बजे अल्ट्रासाउंड करा तो उसमें बच्चा जिंदा था जी। अल्ट्रासाउंड कहाँ करा के आया? रतन के जी, बाहर कराया जा? हाँ जी, मैं तो था भी नहीं, मेरे जीजा जी करा के लाए थे। और जी फिर ये बोला गया नर्सों ने भाई सुबह तक डिलीवरी होगी, तो उसको ग्लूकोज लगा इंजेक्शन दे के छोड़ दिया गया जी। रात को ज़्यादा तड़प रही थी जी, नर्स कोई स्टाफ वाला था ही नहीं जी, जब एक प्राइवेट की मैडम आई है जी वहाँ, और वो उसको अपनी गाड़ी में बैठा के ले गई या नॉर्मल डिलीवरी कराई जी 10 मिनट, और फिर दूसरे दिन उसको छुट्टी दे दी गई, बच्चा मेरे पैदा हुआ। तो इसमें डॉक्टर की लापरवाही है? हाँ जी, कोई था ही नहीं है हॉस्पिटल में जी। अभी क्या मांग कर रहे हो आप? सर जी, मैं तो इंसाफ चाहता हूँ मेरे बच्चे के कातिल, ताकि मेरे जैसे मजदूरों के और मजदूरों के साथ ऐसा ना हो। तो किस किस की लापरवाही मान रहे हो इसमें? आपको लगता है कि बड़ा खेल रेवाड़ी में हो रहा है कि प्राइवेट और सरकारी के इनका टाई अप रहता है आपस में पैसे के लिए? हाँ जी बिल्कुल, जब वो ये ऐसा बताओ ना कि भाई उस प्राइवेट वाले को क्या पता कि वो ज़्यादा सीरियस है, वो उसको क्यों लेने के लिए आई, और उसको ये बोला गया कि ज़्यादा सीरियस है इसको ले चलो, उसके हाथ में वो ग्लूकोज की बोतल थी जी, और वो हाथ मेरी मिसेज का हाथ पकड़े हुए अपनी गाड़ी में, गाड़ी बाहर रोड पे खड़ी थी जी, तब लेके गई। आप ये भी बता रहे हो कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी करा दी, जबकि सरकारी में उसको रेफर करने कह रहे थे, करने कह रहे थे जी, तो हमने हस्ताक्षर भी दे दिए थे जी, मेरे जीजा जी ने। तब उसके फिर आध घंटा बाद ये बोला गया कि अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड कराया गया, फिर बोला कि यहाँ डिलीवरी हो जाएगी सुबह तक, हो ऐसे कहकर जी उसको पटक दिया। फिर रात में आप प्राइवेट में क्यों ले गए? सर जी, वो ज्यादा तड़प रही थी जी, और तड़प रही थी तो वो बेहोशी पे आई, तो खुद मैडम आई, तो हमें तो क्या पता था, वही मर जाती, ये भी मर जाती, उठा ले जाते, लेकिन वो मैडम आई और इसको उठा के लेके गई, तो वो मैडम ने ऐसा कहा कि ये घंटे नहीं वहीं रह जाती थी, ये भी खत्म थी। तो एक फाइल की भी बात भी है कि फाइल? हाँ जी, ये हॉस्पिटल स्टाफ ये कह रहा है कि हमारी फाइल चुरा ले गई, हमें फाइल से कोई लेना देना नहीं था जी, उन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज भी कराई, चौकी से फोन भी गए जी, अगर फाइल चुरा ले आए, लेकिन हमारे जब हमारे में ये भी इतनी थी जी, तो हम किसकी फाइल का ध्यान रखते। तो ये जिस हॉस्पिटल में लेके गए थे, क्या नाम है उसका, वो डॉक्टर क्या बोले फाइल के बारे में? महाराजा हॉस्पिटल में एडमिट कराई थी, दूसरे दिन हमें वहाँ पता किया कि भाई सरकारी हॉस्पिटल की यहाँ फाइल आ गई, तो उस मैडम ने ये जवाब दिया कि कोई कागजात नहीं थी, एक फाइल थी, वो फाड़ के डस्टबिन में डाल दी। देखिए, अगर एक बच्चे की मौत की होगी, इस तरह से शिकायत भी हुई है जी, ऐसा मेरे सामने अभी आप ही इस विषय को रख रहे हैं, मेरे सामने ये विषय नहीं आया था, लेकिन मैं इस विषय पे भी CMO से बात करूंगी। अगर इस तरह की बात है, आप किसी जिसकी डिलीवरी होनी है उस पेशेंट को आप बाहर भेजते हैं, तो बहुत गंभीर विषय है, ऐसे विषयों पे हरियाणा राज्य महिला आयोग जरूर संज्ञान लेता है। अगर इस तरह की कंप्लेंट हमारे सामने आती है, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने का काम भी कर रहे हैं।